हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ तीज स्पेशल और बहुत ही टेस्टी हेल्थी गेहूं के आटे के लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाना बाकी के लड्डू से बिल्कुल अलग है। राजस्थान में तीज के त्यौहार पर एक ऐसी मिठाई जो हर घर में बनाई जाती है वो है सत्तू के लड्डू। अब सत्तू के लड्डू कई तरीके से बनाए जाते हैं, बेसन से, गेहूं के आटे से, चावल से, चना सत्तू से। तो आज मैं आपकी लाई हूँ गेहूं के आटे से बने सत्तू लड्डू की ऐसी जबरदस्त रेसिपी, जिसे आपने एक बार बस खा लिया तो आप तीज त्यौहार क्या इसके बिना भी इसे खाना पसंद करेंगे। आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, एकदम दानेदार बनेंगे और मुंह में जालते ही घुल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी से गेहूं के आटे के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदिया किचन में स्वागत है। तो एकदम सॉफ्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाले गेहूं के आटे के सत्तू लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक परात और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, गेहूं का आटा जिससे हम नॉर्मली चपाती वगैरह बनाते हैं ना, बस मैंने वही आटा लिया है। अब आज हम आटे के लड्डू को एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए यह हमें आटे में देनी होगी मोगरी। मोगरी मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं जिससे हमारे आटे के लड्डू में परफेक्ट टेक्सचर आता है, वो दांतों में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो उसके लिए यह हम इसमें डालेंगे घी। तो यह मैं 1 बड़ा चम्मच घी इसके अंदर डाल दूंगी और अब घी को हम हाथों से इस तरह से मसल मसल कर आटे के अंदर बढ़िया से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा घी आटे के कण कण के अंदर बढ़िया से चला जाए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पर ध्यान रहे पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हाथ में लेकर के इस तरह से छींटे देने, जिससे हमारे आटे में नमी आ जाए और ये इसमें बढ़िया सी मोगरी पड़े। अब यहाँ आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं, बट पानी डालने से क्या होगा, हमारे लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो, इसलिए यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ। और इसे अब हम अच्छे से इस तरह दोनों हाथों के बीच में रब करते हुए बढ़िया से मिक्स करेंगे। इस तरह मसल मसल कर मिक्स करने से क्या होगा, इसमें हमने जो घी और पानी डाला है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और फिर इसमें बढ़िया सी मोगरी आएगी, यानी इसका जो टेक्सचर है वो एकदम दानेदार हो जाएगा। अब अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब भी हम गेहूं के आटे के लड्डू खाते हैं वो मुंह में चिपकते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट और दानेदार नहीं बनते, पर इस तरह बढ़िया सी मोगरी आने से हमारे जो आटे के लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और एकदम दानेदार टेक्सचर आएगा। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम दानेदार टेक्सचर हो गया ना हमारे आटे का। तो बस अब हम सारे आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए इसे हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे आधे घंटे के लिए सेट होने देंगे, क्योंकि इसमें हमने जो पानी डाला है ना, आटा पानी को अब्सॉर्ब करेगा और फिर इसमें और भी बढ़िया सी मोगरी आएगी। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारा आटा परफेक्टली सेट हो गया है। अब इसे हम हाथों से इस तरह से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए, एकदम दानेदार टेक्सचर हो गया है ना। तो चलिए अब हम इस आटे को अच्छे से छान लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे इस तरह से एक छलनी, जिससे हम आटा छानते ना, उससे थोड़ी सी मोटी हमें यहाँ छलनी लेनी है। ध्यान रखिएगा, जो भी हम छलनी लें उसके थोड़े इस तरह से मोटे छेद हो, जिससे हमारी मोगरी एकदम परफेक्टली निकले। तो यहाँ हम इस तरह से छलनी ले लेंगे, इसे हम रखेंगे इस तरह से एक परात के ऊपर, और जो भी हमने आटा तैयार करके रखा था ना, वो छलनी के अंदर डाल करके अच्छे से छान लेंगे। दोस्तों, इस तरह छानने से क्या होगा, जो हमारे आटे के एकदम दानेदार टेक्सचर होंगे ना, जैसे हम मोगरी कह रहे हैं, तो वो आसानी से एक साइड निकल जाएगी और जो भी मोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो इस छलनी के अंदर रह जाएंगे। दोस्तों, अक्सर लोग गेहूं के आटे को डायरेक्ट कढ़ाई में रोस्ट करके आटे के लड्डू बनाते हैं, पर एक बार आप इस तरह से मोगरी देकर फिर आप आटे को रोस्ट करिएगा, आप खुद देखिएगा क्या गजब का टेस्ट और टेक्सचर आता है। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, तो यहाँ इसके मोटे पार्टिकल्स अलग हो गए। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए क्या परफेक्ट मोगरी है ये, मतलब ये कितने दानेदार शानदार टेक्सचर आ गया है ना। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। और अब ये जो मोटे वाले पार्टिकल्स है ना, इसे भी हम चम्मच से इस तरह से रब करते हुए छान लेंगे, जिससे इसमें जितने भी छोटे छोटे दाने होंगे अलग निकल जाएंगे और जो भी मोटे वाले पार्टिकल्स है वो हम अलग निकाल देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से छन गया, इसे हम कर देंगे साइड में। और ये देखिए, हमारे एकदम मोगरी वाला परफेक्ट आटा है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और इसमें हमने जो ये आटा छान के रखा था ना, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे, अभी इसमें हमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट ही करना है और इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, जिससे हमारा आटा नीचे से चिपके नहीं और चारों तरफ से बढ़िया सी इसकी सिकाई हो जाए। और अब इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे, इसका सारा कच्चापन निकल जाए और इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। दोस्तों, यहाँ आटे को अच्छे से सेकना बहुत जरूरी है। अगर आप आटे में मोगरी नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आटे को सेक रहे हैं, तो भी आप इसे बिल्कुल अच्छे से सेकें।
अगर आप इसे अच्छे से नहीं सेकेंगे तो जब आप लड्डू खाओगे तो वो मुंह में चिपकेगा और उसमें कच्चे आटे का टेस्ट भी आएगा। तो इसे बढ़िया से लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करें। इसे रोस्ट करने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। दोस्तों, इस लड्डू को बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, पर रिजल्ट एकदम बेस्ट आता है। अब अच्छा खाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये देखिए, हमारा आटा बढ़िया से रोस्ट हो गया। ये देखिए कितना प्यारा इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम दानेदार टेक्सचर आ गया ना, मतलब हमने जो मोगरी डाली है वो एकदम परफेक्ट बनी है। तो बस अभी हमें इसे इतना ही सेकना है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे घी। तो अभी मैं यहाँ डाल रही हूँ 5 से 6 बड़े चम्मच घी। दोस्तों, घी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। आप यहाँ चाहे तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, बट अभी हम बस इतना ही घी डालेंगे कि हमारा आटा घी के अंदर बढ़िया से भुन जाए। फिर जब हम लड्डू तैयार करेंगे तब हम थोड़ा सा घी इसमें और डाल देंगे। और अब हम आटे को भी घी के अंदर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और ये लीजिए, हमारा आटा घी के अंदर अच्छे से भुन गया है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इसका कलर पहले से डार्क भी हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इस सारे आटे को हम एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, यह हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमारे लड्डू को मिठास देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। यहाँ मैंने शक्कर को मिक्सर जार में डाल करके बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो जो देशी खांड आती है ना, जिसे हम शक्कर का बूरा कहते हैं, आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। अब हम शक्कर इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे, यहाँ हम लेंगे एक छलनी और छलनी के अंदर हमें शक्कर को छान करके डालेंगे। अब साथ ही हमारे लड्डू के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी शक्कर पाउडर के साथ डाल करके बढ़िया से छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी पार्टिकल्स या मोटे मोटे दाने हो वो एकदम अलग निकल जाए। और ये देखिए, इसके सारे मोटे दाने अलग निकल गए। अब चम्मच की सहायता से इसे भी हम बढ़िया से छान लेंगे। दोस्तों, यहाँ आप शक्कर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने शक्कर को बढ़िया से छान लिया है, तो इसे हम अलग कर देंगे और अब इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। अब दोस्तों, यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि आटा पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आप यहाँ शक्कर का पाउडर ऐड करें। अगर आप गर्म के अंदर शक्कर पाउडर डालेंगे तो शक्कर पिघल जाएगी, फिर आपके आटे के लड्डू अच्छे से बंधेंगे नहीं, वो एकदम बिखरे बिखरे रहेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा आटा और शक्कर पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा आटा इस तरह से मुट्ठी में उठाकर देखेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बंध नहीं रहा, अभी बिखर रहा है। तो इस स्टेज पर हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी इसमें और डाल देंगे और अब इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने घी को बढ़िया से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा मिक्सर फिर से उठाकर देखेंगे। ये देखिए, ये बढ़िया से बंध रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा, मतलब हमने जो इसमें घी डाला है ना, वो एकदम परफेक्ट है। और अब हमारे लड्डू के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बादाम की कतरन। दोस्तों, आपके पास इस तरह से बादाम की कतरन ना हो तो आप ड्राई फ्रूट को घी के अंदर रोस्ट करके उसे थोड़ा सा क्रश करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिस्ता की कतरन। अब आप यहाँ चाहे तो गोंद को थोड़ा सा फ्राई करके उसे क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें नारियल का पाउडर भी डाल सकते हैं। बट आज मैं ट्रेडिशनली बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए यह सब चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से मिक्सचर को इस तरह बाइंड करते हुए लड्डू की शेप देंगे। जितना छोटा या बड़ा आपको लड्डू चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसे तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, यह हमारा एकदम परफेक्ट लड्डू तैयार हो गया है। तो बस इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह मैंने पहले भी आपके साथ चना सत्तू लड्डू की रेसिपी शेयर करी है, तो उसे भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वो भी बनाने में काफ़ी आसान है और आपको बहुत पसंद आएंगे। और उनकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये लीजिए, या मैंने सारे लड्डू उस तरह से तैयार कर लिए। तो यह हमारे बहुत ही टेस्टी हेल्थी गेहूं के आटे के लड्डू है बिल्कुल तैयार, जिसे मैंने यहाँ गार्निश किया बादाम की कतरन और पिस्ता के साथ। तो दोस्तों, बिना देर किए इस तीज पर इस स्पेशल गेहूं के आटे के सत्तू लड्डू को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी, ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल दानेदार, बस मुंह में जाते ही घुल जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।